देखेंगे हाउ टू परफॉर्म द डिवीजन ऑपरेशन। पहले मैं सिंपल वाला एक नॉर्मल पेन पेपर यूज करके कैसे ऑपरेशन करते हैं वो दिखाऊंगी, उसके बाद हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन दिखाऊंगी। तो मान लीजिए मेरा जो डिविडेंट है, यहाँ पे दिया हुआ है डिविडेंट इज इक्वल टू 01110, और डिवाइजर है, और डिवीजर आप जो भी प्रोनाउंस करते हैं 10001। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो डिविडेंड है वो डिवाइजर के वैल्यू से बड़ा है, सॉरी छोटा है। तो यहाँ पे जो डिविडेंड है, डिविडेंड इज लेस देन डिवाइजर। ठीक है, तो अगर ऐसा केस आता है तो आपको क्वोशेंट में इक्वल टू 1 डालना है। मतलब आपका अगर डिवीजर सॉरी अगर आपका डिविडेंड जिसके साथ आपको डिवाइड करना है डिवीजर को, इफ डिविडेंड इज लेसर देन डिवाइजर देन यू पुट इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन इक्वल टू 0, अदरवाइज क्वेश्चन विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो चलिए अभी परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन। पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ डिविडेंड 01110 जिसके साथ हम लोग डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ 10001, ये है आपका डिवीजर, और यहाँ पे हम लोग क्वोशेंट लिखेंगे, मतलब जो परफॉर्म करने के बाद जो वैल्यू आता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था आपको कि अगर आपका डिविडेंड जो ये डिविडेंड है इज लेसर देन डिवीजर इसे, देन क्यू वैल्यू विल बी 0। तो यहाँ पे पहला वैल्यू हम लोग 0 डालेंगे, क्योंकि ये टोटल वैल्यू इससे बड़ा है तो डिविजन हो नहीं सकता है। तो समथिंग इंटू 0 इज 0, तो हम लोग ये वैल्यू यहाँ पे लेके आ गया। उसके बाद हम लोग एक एक्स्ट्रा 0 यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, तो अभी जो वैल्यू हम लोग ऐड किए, ये पर्टिकुलर वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस वन, तो यहाँ पे हम लोग 1 ऐड करेंगे। तो समथिंग इंटू 1 इज दैट पर्टिकुलर वैल्यू, तो 1001। तो इसको अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 10110। ठीक है, नहीं इसका वैल्यू तो 1011 ही आएगा, लेकिन हम लोग मतलब 0-1 इज 1, देन यहाँ पे 1 रहेगा तो 1-0 इज 1, फिर 0-0 इज 0 एंड 1-0 इज 0, लेकिन यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट 0 यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, ये रिमाइंडर के बाद हम लोग 0 यहाँ पे लिए, फिर दिस वैल्यू इज लेसर देन दिस, तो यहाँ पे 1 आएगा, फिर हम लोग लिखेंगे 1001, फिर यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा अभी 1001। उसके बाद अगर हम लोग 0 लेते भी हैं तो दिस वैल्यू इज लेसर देन दिस, तो यहाँ पे 0 डालेंगे और फिर से सेम वैल्यू कंटिन्यू करेंगे और एक दूसरा 0 यहाँ पे लेके आएंगे। दिस वैल्यू इज लेसर देन नॉट लेसर देन दिस, दिस इज ग्रेटर देन दिस, तो यहाँ पे 1001 आएगा, फिर वैल्यू आ गया आपका 11, और हम लोग ने 0 यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस केस में जब हम लोग रिमाइंडर आया और उसके साथ 0 ऐड किए, तब भी दैट वाज स्मॉलर देन दिस, तो यहाँ पे हम लोग ने 0 से मल्टीप्लाई किया। अभी वहां पे सेम केस हो रहा है, रिमाइंड मतलब सब्सट्रैक्ट करने के बाद भी जो वैल्यू आ रहा है, 0 हम लोग अगर बोरो करते हैं उसके बाद भी ये जो वैल्यू है इससे छोटा है। तो यहाँ पे डिवीजन स्टॉप करने का मेथड ये है कि अगर आपका रिमाइंडर कम्प्लीटली 0000 आता है तो वो आप स्टॉप कर सकते हैं, या फिर जो आपका रिमाइंडर का वैल्यू है इफ दैट इज लेसर देन द डिवीजर देन यू कैन स्टॉप इट। तो हम लोग यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं, या फिर अगर आप बढ़ाना चाहें यहाँ पे 0 डाल सकते हैं, 110, फिर से एक 0 यहाँ पे आप ले सकते हैं, फिर से वो छोटा हो रहा है तो फिर से हम लोग 0 डाल सकते हैं, फिर से 1100 और एक 0 लाए तो वो बड़ा है तो 1 यहाँ पे डाल सकते हैं। तो आप उसी तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो लेकिन आप अगर यहाँ पे आते हैं तो आपको रिमाइंडर आ रहा है 0001 जो कि डिवीजर से बहुत ही छोटा है, तो आपको यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हुआ नॉर्मल डिवीजन, लेकिन अभी हम लोग देखेंगे हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन में कैसे होता है डिवीजन। तो यहाँ पे ए का वैल्यू गिवन है, तो ए क्यू मैम आपको फ्लो चार्ट दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए, तो डिविडेंड रहता है स्टोर ए क्यू में और डिविजर बी, तो डिविजर का वैल्यू गिवन है, डिविडेंड का भी वैल्यू गिवन है, और क्यू में हम लोग नॉर्मली जितना भी
ये जितने बिट का वैल्यू गिवन है ए या बी में, उतने बिट का जीरो हम लोग क्यू पे इनिशियली ऐड कर सकते हैं. और हम लोग को बी बार प्लस वन मतलब टूएस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का जरूरत है, तो वो हम लोग ने पहले से निकाल दिया है. और सीक्वेंस काउंटर 5 है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ बिट गिवन इन द डिविजर एंड डिविडेंड. ठीक है, तो पहले हम लोग को क्या चेक करना है कि काउंट करेंगे सीक्वेंस काउंटर एन माइनस वन से. एंड पहले हम लोग को यहाँ पे ये चेक करना है कि ये डिविडेंड डिविजर से छोटा है कि नहीं. अगर दिस वैल्यू डिविडेंड इज लेसर देन बी, अगर ये पॉसिबल है तो अभी हम लोग को यहाँ पे जाके ये परफॉर्म करना है. तो हमारा जो वैल्यू दिया हुआ है ए, दैट इज ऑब्वियसली लेसर देन बी, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे यहाँ पे. तो अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं तो क्या परफॉर्म करना है, शिफ्ट लेफ्ट ए क्यू. तो शिफ्ट लेफ्ट मतलब ये जीरो का वैल्यू इधर आ जाएगा, ये जो वन का वैल्यू है ये यहाँ पे आएगा 1110, ये जीरो वैल्यू इधर आ जाएगा, ये चार जीरो यहीं पे रहेंगे और एक एक्स्ट्रा जीरो हम लोग ऐड कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद ये परफॉर्म करने के बाद आप देखेंगे कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ ई जीरो है या वन है. तो ई का वैल्यू जीरो है, तो अब जब ई का वैल्यू जीरो होगा आपको क्या करना है, ये वैल्यू शुड बी ए प्लस बी बार प्लस वन. इसका मतलब ए में आपका क्या स्टोर करेंगे, ए प्लस बी बार प्लस वन, मतलब ए का जो वैल्यू है उसके साथ टू एस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी को ऐड करना है, जो कि है 0111. ठीक है, इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग को वैल्यू आएगा 11010 और एक वन कैरी होके यहाँ पे आ रहा है. ठीक है, और हम लोग को ये परफॉर्म करने के बाद क्या करना है, हम लोग को चेक करना है अगर एडिशन करने के बाद आपका ई का मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वन है तो सेट क्यू एन टू वन, मतलब ये जो क्यू का लास्ट बिट है इसको हम लोग सेट करेंगे वन, इसके जगह पे हम लोग वन लिखेंगे और सीक्वेंस काउंटर आपका एक कम हो जाएगा. ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप खत्म हो गया. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग फिर से लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, तो ये जीरो आ गया इधर 01011, ये जीरो आएगा इधर 00010. ठीक है, तो अभी देखेंगे ई का मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जीरो है, तो हम लोग को क्या ऐड करना है ए के वैल्यू के साथ 2s कॉम्प्लीमेंट वैल्यू ऑफ बी, तो उसका वैल्यू कितना है 01111. तो इसको ऐड करने के बाद आपका वैल्यू कितना आ रहा है 10100 और वन कैरी आ रहा है यहाँ पे. तो ई का मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वन है या फिर ई का वैल्यू वन है, तो हम लोग क्या करेंगे क्यू एन के जगह पे वन लिखेंगे और इसको डिक्रीमेंट करेंगे थ्री के जगह पे. फिर से अभी यहाँ पे देखिए, जब ई का वैल्यू जीरो आ रहा था, सॉरी जब स्टार्टिंग में ई का वैल्यू जीरो आ रहा था तभी हम लोग यहाँ पे जाके शिफ्ट लेफ्ट परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ई का वैल्यू अगर वन है इसका मतलब ए वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो आप क्या कीजिए डायरेक्टली यू ऐड ए एंड बी एंड स्टोर इट एट ए और उसके बाद एन कर दीजिए. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ई का वैल्यू वन है, तो इस केस में हम लोग ई का वैल्यू वन है, लेकिन आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि हम लोग अभी इस लूप के अंदर हैं. जब हम लोग ने इनिशियली चेक किया कि गिवन ए का वैल्यू इज लेस देन बी, जो कि यहाँ पे हुआ, तो हम लोग लूप के अंदर आ गए. तो अभी हम लोग यहाँ पे लूप पे वापस जाके ई का वैल्यू वन है तो ये परफॉर्म करते हैं, वैसा बिल्कुल नहीं कर सकते. हम लोग को ये लूप कंप्लीट करना ही पड़ेगा अंटिल यू गेट द सीक्वेंस काउंटर वैल्यू जीरो, क्योंकि ऑलरेडी ए का वैल्यू बी से लेस हो चुका है. तो ये ई इज इक्वल टू वन हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे. हम लोग आएंगे इधर फिर से, तो हम लोग को क्या करना है कि एट एनी स्टेप जब भी हम लोग ये डिक्रीमेंट करते हैं, मतलब ये डिक्रीमेंट करने के बाद हम लोग को चेक करना है कि सीक्वेंस काउंटर जीरो है कि नहीं. अगर वो जीरो नहीं है तो हम लोग को वापस जाके शिफ्ट लेफ्ट करना ही करना है. तो अभी हम लोग शिफ्ट लेफ्ट करेंगे, ये जीरो आएगा इधर 0101, ये जीरो आएगा इधर 00110. ठीक है, तो अभी ई का वैल्यू जीरो है, इसका मतलब हम लोग ए के साथ टू एस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी ऐड करेंगे. तो टू एस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी ऐड करने के बाद हमारा वैल्यू कितना आ रहा है 1, 1. ठीक है, इतना आ रहा है. तो अभी आप देख सकते हैं कि ई के जगह पे वन है. तो अगर आप शिफ्ट लेफ्ट कर लिए, शिफ्ट लेफ्ट करने के बाद आपका देखना है कि ई में जीरो है या वन है, तो शिफ्ट लेफ्ट करने के बाद ए में जीरो था तो टू एस कॉम्प्लीमेंट ऐड किए हम लोग ये वाला, उसके बाद फिर से चेक करना है कि ई में जीरो है या वन है. लेकिन यहाँ पे शिफ्ट लेफ्ट करने के बाद, ऐड करने के बाद हमारा ई का वैल्यू यहाँ पे जीरो है,
मतलब e का वैल्यू इस जगह पे हमारा जीरो है, तो हम लोगों को क्या करना है, सिंपली यू हैव टू ऐड a विद b. तो इस केस में जो a वैल्यू है इसके साथ हम लोग को b का वैल्यू जो गिवन है उसको ऐड करना है. तो इसका वैल्यू आया हमारा 010101, ठीक है, और ये डिक्रीमेंट होके 2 हो गया. तो अभी फिर से हम लोग को शिफ्ट लेफ्ट करना है, 010010 और ये जो है वो 00110 ही रहेगा, ठीक है. तो ये हो गया 010000, ठीक है. उसके बाद हम लोग फिर से यहाँ पे 0 है तो 2s कम्प्लीमेंट ऑफ b ऐड करेंगे. तो वो ऐड करने के बाद हमारा वैल्यू आ रहा है 11000, ये 1 कैरी आ रहा है. और जब ये e का वैल्यू 1 है तो बस लास्ट बिट को 1 में चेंज कर देना है, ठीक है. ये डिक्रीमेंट होके 1 हो गया. फिर से लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, ये 00010 ये इधर आया 11010. उसके बाद फिर से ये 0 है तो हम लोग को परफॉर्म करना है एडिशन विद 2s कम्प्लीमेंट ऑफ दिस वन. हमारा वैल्यू आ जाएगा 1001 और यहाँ पे आएगा 0, क्योंकि ये 0 है, आपको जस्ट b का वैल्यू ऐड करना है. तो b का वैल्यू जब आप ऐड करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा इतना और कैरी रह जाएगा 1, और ये डिक्रीमेंट होके, ये तो सेम ही रहेगा q का वैल्यू, और ये डिक्रीमेंट होके हो जाएगा 0, ठीक है. तो ये हम लोग को यहाँ पे sc इक्वल टू 0 आ गया. तो अगर आपका sc इक्वल टू 0 है तो ये हो जाएगा एंड. और आपके इस पर्टिकुलर पोजीशन में जो वैल्यू स्टोर होगा वो होगा आपका रिमाइंडर, और ये हो जाएगा आपका क्वोशेंट.